और बहना ने मेरी राम राम, सत श्री अकाल, नुन प्रणाम। यहां सिरसा के साथ साथ हिसार और दूसरे हिस्सों से भी बड़ी संख्या में साथी आए हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज गुरुओं और गुरुद्वारों की धरती में आप सभी के बीच आने का अवसर मिला है। मैं सभी संतों को और सभी गुरुओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, देश में वोटिंग के 5 चरण हो चुके हैं और अब स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। देश के आशीर्वाद से जब 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, 23 मई शाम तक पता चल जाएगा। फिर एक बार कांग्रेस हो या फिर उसके महामिलावटी साथी, सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में खिचड़ी वाली मजबूर सरकार बनाने के उनके सारे मंसूबे ध्वस्त हो गए हैं। साथियों, आपका ये चौकीदार देश को जिताने के लिए, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए दिन रात आपकी सेवा में जुटा है। 2014 में जो मजबूत सरकार दिल्ली में आप सबके आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का मौका मिला, उसके कारण ही दुनिया में आज हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। साथियों, मुझे बताइए कि कोई राष्ट्र अपनी रक्षा नीति को मजबूत किए बिना विश्व शक्ति बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? जो राष्ट्र अपनी रक्षा नहीं कर पाता, क्या दुनिया उसकी बात सुनेगी क्या? नए भारत की रक्षा नीति क्या हो, कांग्रेस या दूसरे महामिलावटी अपनी सभाओं में क्या एक बार भी उन्होंने इस विषय में एक भी बात बताई है क्या? बताई है क्या? भाइयों और बहनों, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि इनका अतीत ऐसा है कि राष्ट्र रक्षा पर ये कुछ नहीं बोल पाते। साथियों, 2014 से पहले आए दिन पाकिस्तान
हमारे जवानों के साथ बर्बरता करता था, लेकिन केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार सिर्फ और सिर्फ बयान देती थी। आए दिन आतंकी हमले होते थे, लेकिन कांग्रेस की कमजोर सरकार सिर्फ और सिर्फ बयान देती थी। आपने, और मैं विशेष रूप से देशवासियों को हमेशा आदरपूर्वक स्मरण करता हूं, आपने जो मजबूत सरकार दिल्ली में बनाई, उसने अपने शूरवीरों के भुजाओं में नई ताकत दे दी, उनके हाथ खोल दिए। अब हमारे सपूत पाकिस्तान के भीतर आतंकियों के अड्डे में घुसकर मारते हैं। पहली सर्जिकल स्ट्राइक में हम जमीन से गए, और जब दूसरा स्ट्राइक किया तो एयर स्ट्राइक करके हमने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा है। जो आतंकी कभी हमें डराते थे, वो आज दुबक करके बैठे हुए हैं। साथियों, तमाम आतंकी हमलों का गुनहगार मसूद अजहर अब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुका है। पाकिस्तान अब मजबूर है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन भाइयों और बहनों, याद रखिए, अपनी 5-6 साल की कोशिश करने के बाद भी कांग्रेस सरकार जो काम हम कर पाए वो नहीं करवा पाए। क्यों क्यों नहीं करवा पाए? क्योंकि नीयत नहीं थी, साफ नीति नहीं थी। साथियों, हरियाणा का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए न भेजता हो। यहां की वीर माताएं वीर संतानों को जन्म देती हैं।